जय महादेव। विश्व के पालक भगवान विष्णु की जय हो। प्रभु, आप मेरे हृदय में सदा निवास करते हैं। आपके भक्ति के बिना मेरी शक्ति अधूरी है। शिवशंकर, आपकी यही भक्ति मेरे स्वरूप का हिस्सा बन चुकी है। उस भक्ति के बिना विष्णु विष्णु नहीं है। मुझ में समाई हुई यही भक्ति शिव की शक्ति के साथ मिलकर हनुमान का रूप धारण करती है। हाँ, मैं वही हनुमान हूं भगवान। हनुमान का वो शरीरधारी रूप मेरे 11वें रुद्र अवतार के रूप में प्रकट होगा, परंतु मेरे भी भीतर भक्ति भावना के रूप में तरंगित होता हुआ हनुमान
सदा मेरे साथ ही होता है। वो तो मेरी आंखों के सामने भी रहता है शिवशंकर, आपकी भक्ति के रूप में। जिसकी भक्ति में शक्ति होती है, हनुमान सदा रूप बदल बदल कर उसके साथ हो जाता है। विष्णु की भक्ति और शिव की शक्ति का संगम ही हनुमान का रूप लेकर नया जन्म लेगा शिवशंकर। आइए हनुमान के प्रकट होने की कथा प्रारंभ करें। नारायण 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 नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तथास्तु तथास्तु। परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद जी, वैकुंठ लोक में आपका स्वागत है। नारायण नारायण। प्रभु, ब्रह्मा के मानस पुत्र होने के नाते नहीं, नारायण के एक भक्त के रूप में मैं दर्शनों के लिए आपकी सेवा में आया हूं। हम जानते हैं नारद, तुम्हारी भक्ति भावना के प्रभाव से ही संसार नारायण के रूप में हमें पूजता है। परंतु हम ये भी जानते हैं कि हर बार तुम्हारे आने का कोई विशेष उद्देश्य होता है। नारायण नारायण, आप तो सर्वज्ञ है प्रभु, संसार में आपसे कुछ भी अनजाना नहीं। मैं भला आपको ऐसी कौन सी नई बात बता सकता हूं जिसे आप नहीं जानते। जानना ही सब कुछ नहीं होता नारद, जानने की प्रेरणा जगाना महत्वपूर्ण होता है, और ये कार्य तुम जैसे चतुर भक्ति ही कर सकते हैं। बताओ, इस समय तुम हमें यहां किस विशेष बात का ध्यान दिलाने आए हो? प्रभु, देवों और दानवों के बैर का कहीं अंत दिखाई नहीं देता। आपकी सहायता से देवताओं ने जब जब दानवों को परास्त करने का प्रयत्न किया, वे कुछ देर दबे रहने के बाद एक बार फिर दुगनी शक्ति के साथ देवताओं पर टूट पड़े। इस बार दानवों, राक्षसों और असुरों में एक नया उन्माद जागा है। उन्होंने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा कर इंद्र और देवताओं को वहां से मार भगाया है। देवताओं और दानवों का संघर्ष तो हर प्रलय के बाद नए मनवंतर के साथ नई सृष्टि को जन्म देता है। देवों और दानवों की भलाई और बुराई की शक्तियां आपस में टकराती हैं, और जब जब दानवों और दुष्ट शक्तियों के पापों का घड़ा भर जाता है, तब तब हमें नया अवतार लेना होता है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। यही जानने के लिए तो मैं आपके दर्शनार्थ वैकुंठ लोक आया हूं। कृपया बताइए, दुष्ट शक्तियों का नाश करने के लिए आप नया अवतार कब धारण करेंगे? आप मौन क्यों है प्रभु? मेरे प्रश्न पर आप मौन होकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं इस समय नहीं दे सकता नारद, इसके लिए तुम्हें अभी लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। लंबी प्रतीक्षा? क्या तब तक पृथ्वी राक्षसों के पाप के भार से दबकर चीखने नहीं लगेगी भगवान? नहीं नारद, उससे पहले कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं का जन्म होगा जो सृष्टि और धर्म के इतिहास पर अनोखा प्रभाव छोड़ेंगे। उससे पहले देव दानव एक साथ मिलकर ऐसा कार्य करेंगे जो एक साथ कार्य करेंगे। नारद, तुम देख नहीं रहे हो कि इस समय हमारी सहधर्मिणी लक्ष्मी हमारे साथ नहीं है? मैं आपसे माता लक्ष्मी के बारे में पूछने ही वाला था, परंतु तुम राक्षसों के भय से इतने भयभीत थे कि चाहते हुए भी देवी लक्ष्मी के बारे में पूछना भूल गए। इस भूल की मैं क्षमा चाहता हूं भगवान। बताइए, माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक कब पधारेंगी? लक्ष्मी इस समय समुद्र की गहराइयों में अदृश्य होकर विराज रही है नारद। लक्ष्मी देवी के साथ और भी अनेक अमूल्य निधियां सागर के जल में खोई हुई हैं। उन अमूल्य निधियों के बारे में सुन तो रखा है भगवान, परंतु यदि वे समुद्र के जल में अदृश्य हैं, तो वे कब बाहर आएंगी, कैसे आएंगी? उसके लिए देवों और दानवों को मिलकर समुद्र मंथन करना होगा, और समुद्र मंथन के पश्चात एक क्रांति होगी, और उस क्रांति से जन्म लेंगी वे छिपी हुई शक्तियां जो हमारे अगले अवतार का कारण बनेंगी।
पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। मैं इस सृष्टि को नष्ट होने नहीं दूंगा, यह विषपान मैं करूंगा। मंत्री अमृत कलश लेकर निकल आए हैं।
अमृत हम देवताओं के लिए है। हाँ, यदि अमृत देवताओं के लिए है तो हमारे लिए क्या है? यह अमृत हमें मिलना चाहिए पवनदेव, हमें।